press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि फिर से एक बार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लायक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये बहुत खतरे की बात है हमारे भारत के लिए भी, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को कि जिस तरीके से एक बांग्लादेश के एक स्टूडेंट का नाम उजागर हो रहा है, महफूज आलम, जो नया हिजबुत तहरीक के ग्रुप का लीडर सामने नजर आ रहा है, नया हिजबुत तहरीक का लीडर, जो बांग्लादेश को प्रॉपर इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेक ओवर करना चाहता है। वो मोहम्मद यूनुस को भी नहीं चाहता है, वो आर्मी भी नहीं चाहता है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं चाहता है, वो बांग्लादेश का संविधान भी नहीं चाहता है, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान 2.0 की तरह बांग्लादेश को बनाना चाहता है। आप महफूज आलम की जितनी भी तकरीर और जितनी भी स्पीच और जितनी भी स्टेटमेंट आप सुनिएगा, वो हिजबुत तहरीक को, सोचो आप, जो 2009 में शेख हसीना ने बंद किया और पूरी दुनिया ने उसको बंद करवा दिया सालों डेकेड पहले, उसको वो उठा करके लेकर आया है महफूज आलम, और मात्र 30-32 साल का है, मात्र 30-32 साल का है, और वो टेक ओवर करना चाहता है पूरे बांग्लादेश को। अब आती है बात कि एक होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक होता है फंडामेंटल राइट, जिसमें मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इन तीन चीजों को, हर एक लोगों को अनुमति देती है कि आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूर दिखाएं, आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी हैम्पर ना करें, आप अपने फंडामेंटल राइट्स आपके कोई नहीं छीन सकते हैं। दैट्स ट्रू, पूरी दुनिया इसको अप्रूव्ड भी करती है और एक्सेप्ट भी करती है। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अगर ISIS जैसे झंडे निकाले जाए, मॉन्क को सरतन से जुदा करने की बात कही जाए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के द्वारा अगर आप हिंदुओं को मारने और हिंदुओं की बेटियों को बलात्कार करने की बात कहें, तो मुझे लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ टेरर एक्टिविटी है जो पाकिस्तान को मिल चुका है, और अब बांग्लादेश को भी खुले छूट में चाहिए जैसे पाकिस्तान को मिला हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बात खतरे वाली है भारत के लिए भी, क्योंकि हमारे साथ तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है लिंक नहीं करता, और कहीं ना कहीं पर ये चीज भी सामने आई थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है रिलेशनशिप बेहतर होने के चांसेस है, लेकिन वो एक खबर तक ही बढ़ी, लेकिन आगे उसके ऊपर कोई काम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, आपने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, हिंदू माइनॉरिटीज की, उनके ऊपर अटैक की, हिजबुल तहरीक की, जो होता हुआ हमें वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब जब हमने देखा है इंडिया के नेबर कंट्री जो इंडिया से छोटे हैं, जिनको इंडिया की सपोर्ट रहती है या पास्ट में रही है या फ्यूचर में रहेगी, अगर ऐसी कंट्रीज के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ता है, तो भारत के जो है सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ये इवन दो हम देखते हैं कि मोदी साहब की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है, फॉरेन से वहां के जो हालात है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बांग्लादेश के मामले में भारत खामोश क्यों है, ये भी दुनिया को चीज समझ नहीं आ रही। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई ऑफिशियल उनके लिए बोल रहा है, सवाई हिंदुओं के, वो मोदी साहब ने कहा था कि मोहम्मद यूनुस को कि आप इंश्योर करें हिंदुओं का प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा ये चीज, इसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भारत की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर नहीं मतलब के रिकॉर्ड की गई। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि BSF जो कि इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो भी बॉर्डर पे अलर्ट है और बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं को रोका जा रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में ना आए। तो कहीं ना कहीं पे दो बड़ी सिचुएशन है जिसको इस वक्त इंडिया जो है वो टैकल तो कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्यों, किसने कहा कि ऑफिशियली रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? 12 अक्टूबर 2024 सुबह में 10:13 या 14 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ भारत से एक गैजेट इशू हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा की और दुर्गा माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी हुआ बांग्लादेश में, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पैंडल पर
आक्रमण किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को तोड़ा और वैंडलाइज किया गया, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा को रोका गया कि जब जब 5 वक्त अजान होगी उस वक्त दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा पंडाल में किसी भी तरीके के कोई मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे, इस अप्रोप्रिएटली ऑफिशियल गैजेट इशू हुआ है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में बात कही है कि जिस हिसाब से काली माँ की प्रतिमा से मुकुट चोरी किया गया है इसको भारत भूलेगा नहीं, जिस हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल को वैंडलाइज किया गया है इसको भारत भूलेगा नहीं, जिस हिसाब से हिंदुओं को मारा गया है भारत भूलेगा नहीं, जिस हिसाब से हिंदू बेटियों का बलात्कार किया गया है भारत भूलेगा नहीं, जिस हिसाब से हिजबुल तहरीक को प्रोवोकेशन मोहम्मद यूनुस साहब के नेतृत्व में दिया जा रहा है और जमाते इस्लामी के जितने भी टेरर ग्रुप के टीम थे उनको जेल से छोड़ा जा रहा है, इसको भी भारत भूलेगा नहीं और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि मोहम्मद यूनुस साहब जब यूएस जाते हैं तो वहां पर लोग उनको पेपर फेंक करके मारते हैं, उनको पेंसिल फेंक करके मारते हैं और उससे जवाब मांगते हैं, और मोहम्मद यूनुस साहब क्या करते हैं, अपना सड़ा हुआ मुंह छुपा करके वो सिक्योरिटी गार्ड के पिछाड़ में अपना मुंह छुपा लेते हैं और भाग जाते हैं और किसी भी लोग का या किसी भी न्यूज का या किसी भी मीडिया का वो सामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो टेरर ग्रुप को सिर्फ आजादी नहीं दे रहे हैं बल्कि वो टेरर ग्रुप को आजाद कर रहे हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान 2.0 बनाने का। आपने कहा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुत्ता कुत्ते के झुंड में ही रहता है ना, शेर के झुंड में तो रह नहीं सकता। आपने सवाल कर दिया मेरी बातों, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप ना रोके। अब आती है बात कि मुझे मेरा मानना है और मैंने बजावते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को एक चिट्ठी लिखी है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है अगर इसको भारत कंट्रोल नहीं कर सकता है तो हमारे जो 1.5 करोड़ से ऊपर वहां पर हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं जिसमें सिख ईसाई क्रिश्चियन यहूदी सब आते हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, हिंदू ही ज्यादा हैं, उनके लिए बांग्लादेश को काट करके एक बंगलिस्तान बना देना चाहिए जिस पर हमारी आर्मी जो है हमारी इंडियन आर्मी उसको प्रोटेक्शन देगी। हमारी इंडियन आर्मी को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। देखिए पाकिस्तान बर्बाद हो चुका, पाकिस्तान पहले पगलिस्तान बना, अब कब्रिस्तान बनने की जगह पर आ चुका है, कौन क्या कर सक रहा है। धीरे धीरे 56 मुस्लिम मुल्कों ने आपसे दूरी इख्तियार कर ली, धीरे धीरे मिडिल ईस्ट ने यूएई ने आपसे दूरी इख्तियार कर ली, डच से लेकर के अमेरिका से लेकर के फ्रांस से लेकर के इंडोनेशिया से लेकर के हर जगह, भारत से लेकर के हर जगह, इवन मुस्लिम कंट्रीज जो है उन्होंने भी आपको पहले फंडिंग किया, आपसे पहले आपको बेहतर करने की कोशिश की पाकिस्तान को, लेकिन क्या किया लास्ट में कि भाई ये नहीं सुधरेगा, हम इसे स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, दैट विल बी बेस्ट डिसीजन। तो उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया इवन यूएन कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएन की एक टीम भी गई थी बांग्लादेश में, पूरा पूरा सर्च करके आई, यूएन में पूरा पूरा एक फाइल सबमिट हुआ है और उस फाइल से ये पता चलता है यूएन मिस्टर प्रेसिडेंट को और लेडी प्रेसिडेंट को कि भाई बांग्लादेश में पिछले 2 महीने में हिंदुओं का सर्तन से जुदा हुआ है, मंदिरें तोड़ी गई हैं और इंटेंशनली तोड़ी गई हैं। अब यूएन भी इंटरवीन कर चुका है, अमेरिका भी इंटरवीन कर चुका है, भारत भी धीरे धीरे चेतावनी दे रहा है, भारत भी धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर पहले तो जमाते इस्लामी को लेकर के खेल रहे थे मोहम्मद यूनुस साहब, अब वो हिजबुल तहरीक को लेकर के खेल रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। तो मोहम्मद यूनुस साहब ने अपने इंटेंशन को क्लियर कर दिया है, उन्होंने अपने इंटेंशन को क्लियर कर दिया, उन्होंने कह दिया है कि भाई यूएन इंटरवीन करे, अमेरिका इंटरवीन करे, मुस्लिम मुल्क मेरे को समझाए, भारत मेरे को चेतावनी दे, हम नहीं मानेंगे। ये मोहम्मद यूनुस साहब ने कल जो हुआ है उसके बाद उन्होंने एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब क्या करना है भाई, अब पाकिस्तान की तरह इसको भी छोड़ देना है और छोड़ करके जो हिंदू बचे हुए हैं जो आ सकते हैं उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उनको नागरिकता भारत में दी जाएगी। अब 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू तो नहीं आ सकते और आना भी नहीं चाहिए, तो उससे क्या एक साबित होता है कि वो डर गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है और मैंने चिट्ठी भी भेजी है, हमारे राष्ट्रपति को भी भेजा है मैंने, हमारे प्रधानमंत्री को भी मैंने भेजा है, अपने लेटर हेड पे भेजा है मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी भेजा है मैंने अपने लेटर हेड पे भेजा है कि आप बांग्लादेश को काट करके बंगलिस्तान बनाए और उसमें हिंदुओं के लिए जो आर्मी कूप है,
जो इंडियन आर्मी है वो कूप करे और वो उसको प्रोटेक्शन दे, दैट विल बी बेस्ट डिसीजन। ये होगा भारत की तरफ से सही डिसीजन। अब आती है बात आप कि देखिए मुसलमान कहाँ खुश है, क्या लेबनान में खुश है, वो तो इस्लामिक देश है, क्या पाकिस्तान में खुश है, वो तो इस्लामिक देश है, क्या तालिबान में खुश है, वो तो इस्लामिक देश है, क्या अफगान में खुश है, वो तो इस्लामिक देश है, क्या हमास में खुश है, वो तो इस्लामिक देश है, क्या फलस्तीन में खुश है, वो तो इस्लामिक देश है, क्या ईरान में खुश है मुसलमान, वो तो इस्लामिक देश है। आलम ये आ चुका है शैला कि ईरान जो है, ईरान में 40,000 से ऊपर मस्जिदों में ताला लग चुका है। नज़ीर जी आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी करेंगे कि हमने देखा है कि बांग्लादेश को बनाने में, बांग्लादेश को चलाने में इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, हमेशा उसको फंड दिया है, जब जब वो क्राइसिस में गया है अपने बजट में से इंडिया का जो टैक्स का पैसा है वो बांग्लादेश के डेवलपमेंट पे मोदी सरकार ने खर्च करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं पर इंडिया का ये बनता भी है क्योंकि इंडिया क्लेम करता है कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ, तो एक लीडर होने के नाते वो डेफिनेटली अपने छोटी कंट्रीज को सपोर्ट करेगा, वरना अदरवाइज तो वो भारत का वो एक इन्फ्लुएंस भी नहीं रहता, क्या हेल्प भी नहीं आप करते और आप लीडर बनने की बात करते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी मिली है और पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।